जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। थ्योरी ऑफ मशीन का पहला यूनिट है जिसे हम लोग को SVTE मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके पहला यूनिट में आज हम लोग देखेंगे, हम लोग को पढ़ना थ्योरी ऑफ मशीन। एक पेपर है थ्योरी ऑफ मशीन। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये जाना था कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, जिसको हम लोग प्यार से क्या टॉम बुलाते हैं। देखिए, फिर आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। यह एक इंजीनियरिंग का ऐसा ब्रांच है इन हिच जिसमें वी स्टडी अबाउट द मशीन। हम लोग क्या करते हैं, मशीन के बारे में स्टडी करते हैं, और ये ध्यान देने बात है, देखिए, रिलेटिव मोशन एंड फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन वेरियस मशीन एलिमेंट। कह रहा है कि थ्योरी ऑफ मशीन एक इंजीनियरिंग का ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मशीन, और मशीन के जो पार्ट पुर्जे एलिमेंट, मतलब क्या होता है, पार्ट पुर्जे के बीच में फोर्स के कारण जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसको यानी इंजीनियरिंग के जिस शाखा में अध्ययन करेंगे उसी को हम थ्योरी ऑफ मशीन कहेंगे। समझ लिया। अब मशीन के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे कैसे होते हैं, तो मान लो जैसे ये एक पार्ट पुर्जा है मशीन का, ये दूसरा पार्ट है जो एक पिन की सहायता से लगा हुआ है। नहीं दिखा पिन, अब दिखेगा, पिन दिख गया। देखिए, अब ये है ना, इसको एक तीसरी लिंक की मदद से इसको जोड़ देंगे। अब ये समझिए, बाद में बताएंगे लिंक क्या होता है, ये पिन क्या होता है, हिंज क्या होता है। हिंज तो आप लोगों ने पिन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। देखिए, ये जो हो गया, जैसे ये हमारा फिक्स एक्सिस है, इसको हम फिक्स कर दिए, इसको क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो अब जो ये है, ये फिक्स हो गया। अब जो मान लीजिए ये तो क्या करेगा, या तो इधर जाएगा, इस पर जो फोर्स लगाएंगे इस साइड से, या तो ये इधर जाएगा, इस साइड से फोर्स लगाएंगे, तो अगर इस साइड से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, इधर जाएगा। ये लिंक क्या करेगा, इधर जाएगा। तो यही एक डिफिनिट रिलेटिव मोशन जो होगा ना, ये डिफिनिट यानी कि या इधर जाएगा या इधर आएगा, जो रिलेटिव मोशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन। समझ गए। चलिए, अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार से इसका टाइप्स होते हैं और क्या होते हैं। चलिए, टॉम हम लोग प्यार से टॉम बुलाते हैं, इसीलिए आप लोगों को प्यार की भाषा समझ आती है ना, इसीलिए हम भी प्यार की बातें करते हैं। चलिए, इसके दो भागों में बांटा गया, एक का नाम है कॉम और दूसरे का नाम है डॉम। तो कॉम का मतलब होता है काइनेमेटिक ऑफ मशीन, इसका फुल फॉर्म होती है, और डॉम का फुल फॉर्म होती है डायनामिक ऑफ मशीन। समझिए, तब काइनेमेटिक ऑफ मशीन क्या होती है और डायनामिक ऑफ मशीन क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो काइनेमेटिक ऑफ मशीन क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ टॉम। ये क्या है, टॉम का थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन का एक ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ वेरियस मशीन एलिमेंट। बहुत सारे मशीन के एलिमेंट के बीच में रिलेटिव मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, विदआउट बिना किसी कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, बिना किसी फोर्स को कंसिडर किए हुए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक ऑफ मशीन। हम लोग समझ गए काइनेमेटिक मशीन क्या होता है। इसको हम लोग प्यार से इट इज आल्सो कॉल्ड प्योर मैकेनिज्म, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्योर मैकेनिज्म भी कहते हैं, यानी कि शुद्ध मैकेनिज्म भी कहते हैं, कि डिफिनिट रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी कि सिर्फ या इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, डिफिनिट हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्योर मैकेनिज्म कहते हैं। अब दूसरी है डायनामिक ऑफ मशीन क्या होता है, डायनामिक ऑफ मशीन क्या होती है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। डायनामिक ऑफ मशीन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें टॉम लिखे थे, इसमें थ्योरी ऑफ मशीन लिख दिए, ये नालायक है, इसलिए थ्योरी ऑफ मशीन लिख दिए है, चलिए कोई नहीं। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फोर्सेज एक्टिंग ऑन देयर वेरियस मशीन एलिमेंट, यानी कि मशीन के जो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, पार्ट पुर्जे भी बोल सकते हैं, कल पुर्जे भी बोल सकते हैं, उस पर क्या हो रही है, फोर्सेज एक्टिंग हो रही है, एंड आल्सो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम।
क्या बोल रहा है, यानी कि एक टॉम का एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मशीन के वेरियस एलिमेंट के बीच में जो फोर्सेस लग रही है वो, और मशीन के एलिमेंट के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन भी हो रही है। इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे डायनामिक ऑफ मशीन, समझ गया। काइनेमेटिक ऑफ मशीन में क्या हो रही थी, सिर्फ इसमें रिलेटिव मोशन हो रही थी, क्या हो रही थी, सिर्फ रिलेटिव मोशन हो रही थी, बट डायनामिक ऑफ मशीन में क्या हो रही है, डायनामिक ऑफ मशीन में हो रही है कि रिलेटिव मोशन भी हो रही है और फोर्सेस भी लग रहे हैं। डायनामिक मतलब क्या होता है, डायनामिक मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायनामिक मतलब क्या होता है, फोर्स प्लस मोशन बराबर डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है कि वो फोर्स भी लग रहा है, घूम भी रहा है, मतलब क्या, 3D, एक प्रकार से 3D, इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक ऑफ मशीन। अब हम लोग मशीन के बारे में जानते हैं, मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस मतलब यंत्र है, विच मेक्स आवर वर्क्स, जो हमारे काम को इजियर मतलब आसान करता है, फास्टर मतलब तेजी से करता है, और एंड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम यानी कम एफर्ट मतलब कम अपने तरफ से जो लगाते हो, कम वर्क करके ज़्यादा काम कर सकते हैं मशीन पे, बहुत कम एफर्ट लगाते हैं मशीन पे, सिर्फ स्टार्ट करना रहता है, उसके बाद पूरे मशीन अपने काम को करती है, इजी तरीके से करती है, बहुत जल्दी कर देती है, फास्टर मतलब बहुत जल्दी कर देती है। इसमें और क्या लाइन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिजिड बॉडी। ये क्या है, बहुत सारे रिजिड बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है। रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, जो रेसिस्टेंट बॉडी, जो लोड को सह सकता है, एंड रेसिस्टेंट बॉडी मतलब वही जो लोड को सह सकता है, हुज रिलेटिव मोशन आर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड, मतलब डिफिनिट रिलेटिव मोशन, कहने का मतलब है वही इसका रिलेटिव मोशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट, डिफिनिट रिलेटिव मोशन मतलब ये फिक्स दिशा में, जो हम लोग बताया था ये जो लिंक होता है फिक्स दिशा में मूव करेगा, वही होता है डेफिनेट रिलेटिव मोशन, सिर्फ यही इधर जाएगा, ये ससुरा नहीं बोलेगा कि हम ऊपर जाएंगे, ये कभी नहीं बोल सकता है, सिर्फ ऐसे ही बोलेगा, समझ गए, उसी को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट रिलेटिव मोशन। सो दैट अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू यूजफुल वर्क, यानी क्या करेगा मशीन, जो अवेलेबल एनर्जी देगा उसको क्या करेगा, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसकी दूसरी भाषा में डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस व्हिच रिसीव्स एनर्जी एंड ट्रांसफर इट इनटू सम यूजफुल वर्क। यही कह रहा है, यही लाइन है, यही लाइन कि जो हमारे पास एनर्जी रिसीव होती है उसको यूजफुल वर्क में जो कन्वर्ट करती है वही क्या होती है, मशीन कहलाते हैं। इफ द मैकेनिज्म इज यूज टू ट्रांसमिट पावर या टू डू वर्क, मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, जो मशीन का छोटे छोटे पार्ट पुर्जे रहते हैं ना उसी को मैकेनिज्म कहते हैं, जो मशीन के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे यही सब क्या मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं, तो ये कहते हैं ये जो मैकेनिज्म जो काम करती है, ये जो मैकेनिज्म काम करती है उसी को क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं, समझ गए आप लोग। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर मशीन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, वैसे वो रेसिप्रोकल नहीं होती है, समझिए ना, तो स्ट्रक्चर क्या होती है हम लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिजिड और रेसिस्टेंट बॉडीज। यही कह रहा है, स्ट्रक्चर भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मेनी रिजिड मतलब जो ठोस होता है ना वही रिजिड होता है, समझ रहे हो ना, और रेसिस्टेंट मतलब जो लोड को सहता है, रेसिस्टेंट बॉडी हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, जिसके बीच में क्या होगा, किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इट ओनली कैरी द एक्सटर्नल लोड, ये क्या करेगा, हमेशा एक्सटर्नल लोड को कैरी करेगा, जैसे आप लोग देखते होंगे ब्रिज बना हुआ रहता है, ब्रिज बना हुआ रहता है, सिर्फ ऐसे करके रेलगाड़ी जाते रहते हैं, तो पुला नहीं रहता, पुलिया देखा रहता है, ऐसे ही बना रहता है, ट्रेंगुलर शेप में बना रहता है ना, ये क्या करता है, ये जो ब्रिज बना रहता है ये सिर्फ लोड को रखेगा, फिर इसके ऊपर से जो कोई जाएगा यानी कि रेलगाड़ी जाते हैं, कोई भी बाइक मोटर गाड़ी गांधी सेतु पे जाते हैं ना,
तो ये सिर्फ क्या करते हैं, लोड को कैरी करता है, लोड को कैरी करता है और किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होता। ऐसे नहीं है कि हाँ जो बस से जा रही है या ट्रेन जा रही है तो उसके साथ ये ब्रिज भी चले जाएगा, ऐसे कभी होते हुआ नहीं होता। तो ये क्या करता है, ओनली एक्सटर्नल लोड को कैरी करता है, जो बाहरी लोड लगता है। जैसे एग्जाम्पल में ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, ट्रसेज हो गया, ETC एक्सेट्रा काफ़ी है। ये एग्जाम्पल VVI है, ऑब्जेक्टिव में आने की चांसेज है, इसको रट लो। चलिए अब जो होती है स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है, मतलब परफेक्ट करने का मतलब है कि बिल्कुल सही स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे। फॉर परफेक्ट स्ट्रक्चर इट ऑब्वेज द रिलेशन, हम लोग भाई इंजीनियर है ना, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, कि परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला आती है, इसके लिए एक फार्मूला आती है, m बराबर 2j-3। क्या आती है, m बराबर 2j-3 एंड हैविंग ट्रेंगुलर इन शेप। यानी कि ये फार्मूला तो लागू होना ही चाहिए और साथ ही साथ ट्रेंगुलर इन शेप में भी रहना चाहिए, तब हमें क्या परफेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगी। चलिए तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला है, तो जहाँ पे जो एक लिंक, दो लिंक, तीसरा लिंक, यानी कि ये तीन लिंक, जैसे यहाँ पे फिगर देखो, तो यहाँ पे ज्वाइंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर, इसको मेंबर कहते हैं, इसको ज्वाइंट कहते हैं, इसको ज्वाइंट कहते हैं, यहाँ पे लिखा है इसको ज्वाइंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। मेंबर को एम से डिनोट करते हैं और ज्वाइंट को जे से डिनोट करते हैं, समझ गए। अब देखो ये मेंबर क्या होती है और एलिमेंट क्या होती है। मेंबर और एलिमेंट में ये डिफरेंस है कि मशीन के पार्ट पुर्जे को एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, मशीन के एलिमेंट यानी पार्ट पुर्जे जो होता है छोटे छोटे उसको एलिमेंट कहते हैं, और स्ट्रक्चर के पार्ट पुर्जे को मेंबर कहते हैं। तो एम से मेंबर को सूचित किया जाता है और जे से ज्वाइंट को डिनोट किया जाता है। तो ट्रेंगुलर इन शेप में ज्वाइंट कितना होती है, तीन ज्वाइंट है, कितना है यानी कि इसमें ज्वाइंट टोटल कितना है, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट है, तीन ज्वाइंट है ना जी, तीन ज्वाइंट है। और मेंबर कितना है, एक मेंबर है, दो मेंबर है, तीन मेंबर है। तो मेंबर बराबर तीन, ज्वाइंट बराबर तीन, तो फॉर्मूला लगाएंगे एम बराबर 2j-3, तो एम का मान तीन है, टू फार्मूला का तीन हो गया, मेंबर की ज्वाइंट की संख्या और माइनस तीन जो फार्मूला की है, तो LHS बराबर RHS हो गई। तो मतलब क्या हमें परफेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ऐसे कोई शेप पड़ेगा तो क्या होगा, परफेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप लोगों नोट्स की टेंशन नहीं लीजिए, नोट्स आप सभी को सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोगों को ज्ञात करना है कि इसमें कितने ये परफेक्ट स्ट्रक्चर दे रही है कि नहीं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले मेंबर गिनते कितने मेंबर हैं, एक मेंबर हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छः हुआ, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मेंबर की संख्या कितनी है, 17। अब ज्वाइंट कितनी है आप लोग काउंट करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर जितने जल्दी आप लोग बना लिया ना बस वो कमेंट कीजिए कि सर हम तुरंत बना लिए। चलो अब हम लोग ज्वाइंट गिनते हैं, एक ज्वाइंट, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 ज्वाइंट है। टोटल कितना ज्वाइंट है, 10। और फॉर्मूला लगाएंगे एम बराबर 2j-3, तो एम का मान कितना है यानी मेंबर का टोटल संख्या 17, ज्वाइंट कितना 10 है, फार्मूला का 2, फार्मूला का -3, तो 17 बराबर 17 निकल गया। हमें क्या मिलेगा, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, उसके टाइप्स टॉम और डॉम होते हैं, प्लस जैसे देखो ये पढ़े थे ना हम लोग, टॉम टॉम के दो टाइप होते हैं, कॉम डॉम। उसके बाद हम लोगों ने जाना मशीन क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने जाना स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और स्ट्रक्चर पे परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला एम बराबर 2j-3 भी है फार्मूला, ऑब्जेक्टिव में इससे एक क्वेश्चन 100% रहेगी। चलिए इस पे हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिए,
और ऐसे ही आप लोगों ने ट्रेंगुलर शेप में करके बहुत सारे क्वेश्चन अपना बनाइएगा, बहुत सारे बुक से या नेट से डाउनलोड करके, नहीं तो हमको बोलिएगा, कमेंट करिए कि सर हमको चाहिए क्वेश्चन, तो मैंने कर देना है आपको, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको क्वेश्चन, आप हमको कमेंट कीजिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।